खबर जोधपुर से आ रही है, जहां मेट्रोपोलिस कॉलोनी में भाजपा नेत्री के बेटे के साथ घर में घुसकर मारपीट करने वाले दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम था। इससे पहले पंतनगर थाना पुलिस और उत्तराखंड एसटीएफ की टीम इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। जिले के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मनमोहन राय ने शिकायत दर्ज कराकर बताया कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने उनके बेटे पर हमला कर दिया है, जिसमें उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। कि सभी जघन्य अपराधों का अनावरण होना चाहिए और सभी बदमाशों को हमें तत्काल जो है गिरफ्तार के काम करना चाहिए। इसी के तहत माननीय डीजीपी महोदय और डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि सभी जघन्य अपराधों में अपराधियों को धरपकड़ और गिरफ्तारी होना चाहिए। आप सबको पता है, सब 18/8/2024 को मेट्रोपोलिस में जो पॉश कॉलोनी में बदमाशों द्वारा एक राय होकर घुसकर बीजेपी की महिला मोर्चा का अध्यक्ष के बेटे के ऊपर जानलेवा हमला कर उसको अधमरा कर दिया। वो आईसीयू में पड़ा रहा। तमंचे, लाठी, डंडा, तलवार से ये लोग हमला किए थे। बड़ा चर्चित मामला था। तत्काल कार्रवाई करते हुए उसी दिन हमने एफआईआर लिख दिया था और टीमों को डिप्लॉय किया गया था। 24 तारीख को 4 मुख्य नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर दिया गया। 30 तारीख को इसके बाद जो है बाकी शेष 500 अभियुक्तों पर 25,000 का इनाम राशि घोषित किया गया था। दिनांक 30/8/2024 को 3 इनामी अपराधियों को हमने पकड़ के गिरफ्तार कर दिया था। आज इसी श्रृंखला में 2 अभियुक्त अवनीश उर्फ छोटू और हरप्रीत उर्फ हैप्पी, 2 लोगों को हमने गिरफ्तार करके हम जेल भेज दिया गया है। इन्होंने वो सारी चीज़ें पुष्टि किया है कि विक्रांत फुटेला और उसके और 3 साथियों द्वारा इनको पैसे और सारे संसाधन दिए गए थे। विक्रांत फुटेला द्वारा मेट्रोपोलिस सोसाइटी में गुंडों को पालते हुए एक गैंग चलाया जा रहा है और लोगों को दहशत मचाया जा रहा है। इस दहशत मचाने के उद्देश्य से उसने जो है बीजेपी की जिला मोर्चा का महिला मोर्चा का बेटे पर जानलेवा हमला कराया था। इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हम करेंगे।